अगर साईं जीवित नहीं हुआ तो कब तक प्रतीक्षा करोगे तुम लोग? बोलो। फिर मैं वो करूंगा जो साईं ने मुझे निर्देश दिया है। ऐसा निर्देश? बोल। साईं ने मुझे आदेश दिया है कि अगर 3 दिन में उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उन्हें यहीं द्वारका माई में दफना देना। इसलिए कुलकर्णी सरकार, आपसे अनुरोध है कि कृपा करके कुछ देर और प्रतीक्षा कर लीजिए। हरिओम हरिओम। 3 दिन पूरे होने वाले हैं, करता हूं मैं प्रतीक्षा करता हूं, लेकिन स्मरण रहे 9 बजे के पश्चात भी तुम्हारे साई ने आंखें नहीं खोली, अगर वो उठ नहीं पाया तो उसके इच्छानुसार उसे दफनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हरिओम। नौ बजे तक सारे लठेतों को बुला लो, देखते हैं 9 बजे तक ये फकीर नहीं उठा तो इन लोगों को खदेड़ के उसका शव अधिकार में लेके दफना देंगे। जाओ। कृपा करके आप जल्दी आ जाइए, सबको हौसला दे रहा हूं मैं, लेकिन मुझे कौन हौसला देगा? हरिओम हरिओम। 9 बजने के लिए कुछ ही समय शेष है, देख लीजिए। दूसरों के वक्त की कदर नहीं है इस बैरागी को। सबको कहता फिरता था समय की कदर करो। हरिओम हरिओम। तुम लोगों का दिया समय समाप्त होने को है। पाटिल जी, माधव, बैजाक का मालसापति, नहीं खुली ना तुम्हारे साई की आंखें? लेकिन तुम लोगों को विश्वास कहां है कुलकर्णी सरकार पर? लेकिन सुनो मालसापति, सत्य तो ये है कि मुख से निकली वाणी
और शरीर से निकले प्राण कभी वापस नहीं आते। तैयारी करो। सब लोग सुन लो, तुम्हारे साईं को दफनाने के लिए कुछ ही समय शेष है। तब तक अंतिम दर्शन कर लो इसके। उठिए ना साईं, आंखें खोलिए साईं, उठिए ना साईं, उठिए ना साईं, उठो साईं, उठो। हाँ साईं, उठो ना। साईं उठिए। Oh,
Oh,
के बाद कभी भी ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा साई। मैं जानता था महालसपति जी कि अगर कोई ये जिम्मेदारी उठा सकता है, इसे निभा सकता है, तो सिर्फ आप हैं। ये मरा ही नहीं था, दिन दिन से नाटक कर रहा था मरने का। अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए ये इतना नीचे गिर सकता है? हरिओ चलो। की बात याद कर रहा था और मैं आशा करता हूं कि तुम वो बातें कभी नहीं भूलोगे। साई, मैं ना 3 दिनों में यही सोचती थी कि जब आप उठेंगे तब मैं आपको कौन सा वाला चुटकुला सुनाऊंगी। बहुत अच्छे वाले। नहीं नहीं परी, अब मुझे भी साई से मिलने दो। साई, साई, मैं अपने पिता के व्यवहार के लिए आपसे माफी चाहता हूँ साई। जब मैंने उन्हें यहाँ आते देखा तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ ना रहना ही सही होगा, क्योंकि अगर वो मुझे देखते तो आप लोगों के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते, मेरा सारा गुस्सा आप पर निकालते। क्षमा मांगने की, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है केशव, बल्कि मुझे तो आप सबको धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, आप सबको यहाँ एक साथ इकट्ठा मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। Thank you.
साई के लिए उत्सव मनाते हैं। खोया हुआ बेटा वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इन गन्नों से रस निकालना होगा। जरूर सही, ये तो मेरा पेशा है। रस निकालने के लिए किसी भी यंत्र की सहायता नहीं लेनी है। ये कैसे होगा सही? वो आप जाने।